ऐसे मासूम जानवर जिन्होंने इंसानी दुश्मन से खूनी बदला लिया, पार्ट 3। सबसे पहले 30 साल का चिंपांजी सेंटिनो दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहता और चुपचाप आसपास पड़े पत्थरों को जमा करता रहता। फिर जैसे ही रात होती वो उनसे खतरनाक प्राचीन हथियार बनाना शुरू करता और रात भर जगकर पत्थरों को घिस घिस कर नुकीले मिसाइल शेप के बना लेता और सुबह होने से पहले सभी हथियारों को छुपा देता। 100 से ज्यादा हथियार बनाने के बाद एक दिन जैसे ही सुबह जुमे विजिटर्स उसके पास आए तो उसने उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने जब सेंटिनो पर रिसर्च की तो पता चला कि वो फ्यूचर में होने वाली लड़ाई की तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट, इंडिया में रहने वाली माया मुर्मू एक दिन गांव के पास जंगल से पानी लेने गई थी, तभी एक हाथी ने उसके ऊपर हमला करके उसे कुचल दिया। गांव वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए जहां तड़पते हुए माया की मौत हो गई। फिर अगले दिन जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो हाथी वापस आया, उसने माया को फिर से कुचला और माया के घर को तोड़ते हुए वहां से चला गया, क्योंकि माया ने सालों पहले शिकारियों की मदद की थी जिस कारण हाथी के बच्चे की जान चली गई थी। तो क्या हाथी ने माया के साथ सही किया? कमेंट बताइए।